मखेडा पंचरा आप सभी का स्वागत है मैं हूँ सुमित और वीकली एक्सपायरी का दिन भारतीय बाजारों के लिए थोड़ा सा चौपी लेकिन फिर भी कमजोरी के साथ आज कामकाज होता हुआ दिखाई पड़ा बहुत ज़्यादा डैमेज नहीं लेकिन थोड़ा बहुत डैमेज आज इंडेक्स के अंदर जरूर रहा 1160 शेयर तेजी वाले और करीब करीब 1700 शेयर बिकवाली वाले इससे अंदाजा लगा लीजिए कि एडवांसेस कम थे डिक्लाइंस ज्यादा थे तो इंडेक्स के अंदर थोड़ी बहुत कमजोरी आपको दिखाई पड़ेगी प्रेशर था बैंक्स के अंदर प्रेशर था सेलेक्टिव आईटी के अंदर लेकिन सिलेक्टिव आईटी तेजी में भी था जैसे कि आज परसिस्टेंट नंबर्स के बाद चला कोफोज नंबर से पहले चला लेकिन फ्रंट लाइन थोड़ा सा बैकफुट पैच काम काज कर रहा था निफ्टी के अंदर थोड़ी बहुत बिकवाली क्योंकि वो ऑब्वियसली आता है अट्ठारह दो वो जोन है जहाँ पर थोड़ा प्रेशर आता ही है लेकिन अट्ठारह एक के नीचे जाने के बाद अट्ठारह एक के ऊपर जाके इंडेक्स ने क्लोजिंग दी मिड कैप स्मॉल कैप प्रेशर में है जिसमें से सेलेक्टिव मिड कैप जिनके नंबर्स अच्छे थे पोली कैप बेटर हैवेल्स बेटर तो उनमें रिएक्शन था कुछ फ्रंट लाइन जहाँ पर नंबर्स का रिएक्शन था जैसे कि एशियन पेंट्स नंबर्स के बाद आज टूटा करीब ढाई तीन परसेंट के आसपास की बिकवाली वहाँ तो दिखाई पड़ी और आ, कुछ नंबर से पहले एक्चुअल नंबर से पहले थोड़ा सा स्केप्टिकल है पी वी आर नंबर्स बेटर थे उससे पहले शेयर फ्लैट फ्लैट टू बहुत से बंद हुआ सो so, ऐसे मिले जुले नंबर्स का रिएक्शन यहाँ पे देखने को मिल रहा है मार्केट्स के अंदर और स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरीज़ कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रही हैं बहुत बड़ा कोई सीवियर डैमेज इंडेक्स में नहीं हाँ अदानी समूह जरूर टूटा वो आदानी के एफपीओ की खबर के बाद पूरा स्पेस टूटता हुआ दिखाई पड़ा ऑब्वियस यहाँ एक ओवर हीटेड स्पेस तो है ही तो थोड़ा अगर हल्का हो भी रहा है तो ऐसी बड़ी चीज़ नहीं है तो प्रेशर वहाँ रहा और बाकी मूड मोमेंटम दिन भर अलग अलग स्टॉक्स के अकॉर्डिंग काम काज कर ही रहा है दो तीन इंपॉर्टेंट ट्रिगर है अब हम जाएंगे आखिरी हफ्ते में जो कि एक्सपायरी का हफ़्ता होगा वन टू आप ऐसे ट्रंकेटेड वीक में जाएंगे नेक्स्ट वीक जहाँ पर छुट्टी भी है एक थ्री आप बजट के बिल्कुल करीब होंगे अर्निंग्स रिलायंस की अर्निंग है कल तो अब अगले हफ्ते उसका रिएक्शन होगा प्लस फेड का आउटकम तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि बाज मार्केट बहुत क्रूशली वॉच कर रहा था अब उससे ठीक पहले आपका हफ्ता इसलिए बिल्कुल बाजार डल कहते हैं ना लाइट होकर जा रहा है तो उस तरह की सिचुएशन बन रही है तो उसके हिसाब से आप कॉल लीजिएगा बट ये दोनों ट्रिगर के आधार पर मार्केट का मूव रह सकता है स्टॉक स्पेसिफिक के लिए अर्निंग ही आपको एक इकलौता ट्रिगर दिखता है तो स्टॉक अर्निंग को आप फॉलो करिए और उसके अकॉर्डिंग अपनी रणनीति आप बनाकर चल सकते हैं सवाल जो आपका सिलसिला शुरू करता हूँ और बातचीत कर लेता हूँ कुछ सवालों को लेकर भी सबसे पहला सवाल जो मेरे पास आया है वो है एशियन पेंट और डी मार्ट नीचे किस लेवल पर ऐड कर सकते हैं मुझे उम्मीद थी ऐसे कि आज एशियन पेंट पर सवाल होंगे सुमित जी तो देखिए दोनों के केस में डी मार्ट केस में तो आप उन जोन्स को पा रहे हैं जहां पर आप ऐड कर सकते हैं थोड़ा थोड़ा आप यहां पा कर थोड़ा थोड़ा ऐड कर सकते हैं अब रही बात एशियन पेंट की देखिए एशियन पेंट के नंबर्स को अगर आप दो तरह से देख लीजिए पहला अच्छा पार्ट बताता था फिर बुरा अच्छा पार्ट यह है कि वो मैंने ट्वीट भी किया था कि तेरह क्वार्टर चौदह क्वार्टर के हाईस्ट प्रॉफिट हाइस्ट रेवेन्यूज़ आठ क्वार्टर के प्रॉफिट चौदह क्वार्टर का ही हाइएस्ट मार्जिन और करीब करीब सात आठ क्वार्टर का हाईएस्ट मार्जिन का फिगर एबिटा चौदह और मार्जिन सात आठ पे वॉल्यूम ग्रोथ निगेटिव पार्ट है जो अनुमान बाजार लगा रहा था पॉजिटिव लेकिन वो आया नहीं फ्लैट हो गया तो इसकी वजह से थोड़ा डिक्लाइन है एशियन पेंट कहाँ तक जा सकता है वर्स्ट केस्ट में मतलब मैं जब पुराने नंबर देख रहा था तो 110 के आसपास का पी रहा है एवरेज पी इसका मीडियम पी जो रहा है वो करीब करीब अस्सी पिचासी की रेंज में रहता है एशियन पेंट कल तक 92 के पी पे काम काज कर रहा था पुरानी अर्निंग को आधार मान के नई अर्निंग को आधार मान के 69 के पी पे काम काज कर रहा था तो एक बड़ा ड्रॉप्स में पी के आधार पर वैसी आई अर्निंग अपग्रेड है और शेयर भी टूट गया है तो अर्निंग अपग्रेड ऐसे हुआ कि इसकी पिछले साल की ई थी करीब करीब तीस रुपये के आसपास इस साल की ई पी है कहीं इकतालीस रुपये के, के आसपास तो पी अपने आप एडजस्ट हो गया सिक्सटी नाइन के आसपास तो आप मोटा मोटा मान लीजिए कि सिक्सटी फाइव सिक्सटी एट सिक्सटी फिफ्टी एट ये वो पी है जो कि सही है पच्चीस सौ का जोन मोटा मोटा आपके लिए कंफर्टेबल जोन है इसके जितना करीब आप लेते रहिए कोई इशू नहीं है पच्चीस सौ टू तो बात अलग बनेगी लेकिन पच्चीस सौ तक जाने में भी इसको बड़ी मुशक्कत करनी पड़ेगी अच्छी क्वालिटी है वर्ल्ड वॉर टू से आती हुई कंपनी है ऐसा नहीं कि कंपनी ख़राब हो गई रातों रात और बिलीव मी जो कंपनी हर साल करीब करीब इकतालीस की ई दे रही है इस स्केल पर बयालीस परसेंट मार्केट शेयर के साथ देश की सबसे बड़ी पेंट्स कंपनी होने के बावजूद 2000 करोड़ का केपैक्स है तो ऐसी कोई छोटी कंपनी नहीं है वो जिसको आप हल्के में समझ सकते हो तो आप लॉस मेकिंग कंपनियों के लिए इतने वैल्यूशन देने को तैयार नहीं तो प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है तो अंदाज़ा लगा ही लीजिए सो कोई भी डिप मिलता रहे आज का या कल का ब्रोकर हाउसेज़ के अपग्रेड या डाउनग्रेड के बाद

और वो स्टार्टअप्स परफॉर्म नहीं कर रहे हैं अपने धंधे के अलावा तो इनके अपने धंधे की वैल्यू तो बाजार ने बहुत पहले ने दे दी है जो वैल्यू दे रहा था वो दे रहा था बाकी के धंधों के ऊपर जैसे कि जोमैटो के स्टेक के ऊपर अब वो कट डाउन हो रहा है तो इसलिए स्टॉक भी नीचे आ रहा है सो so, जब तक उन स्टेक की वैल्यू इंप्रूव नहीं होगी या कोई और बहुत प्रॉफिटेबल पी या अपनी कंपनी को लिस्ट नहीं करा देंगे कोई सब्सिडरी को जिसमें इनका इन्वेस्टमेंट है तब तक के लिए सिचुएशन ऐसी रहेगी सो आप नया निवेश तो ना ही करें बेटर है लेकिन बैठे रहें पुराने निवेश के साथ एक रीजनेबल करेक्शन जो ऑलरेडी हो भी रहा है उसके बाद नंबर्स आ जाएँ स्टेबल हो जाए फिर कोई कॉल लीजिए ज़्यादा बेटर रहेगा लेकिन अभी के लिए एटलीस्ट आप इस चीज़ को ध्यान रखिए यहाँ पर कॉल लीजिएगा किसी एक आउटराइटली खुद के निवेश की कंपनी में होता तो बात अलग होती है उस पर कॉल लेना फिर भी आसान होता है लेकिन किसी और के धंधे के ऊपर आप बेट करोगे वो ग्रो करेगा तब आप ग्रो करोगे और उसको बाजार इज्जत ज़्यादा दे रहा है तो इसलिए कॉल एक बार को लेना थोड़ा घबराहट है मैं इसमें थॉट गलत भी हो सकता हूँ इसलिए मैं पहले ही कह रहा हूँ कि आप कोई और पक्ष भी एक बार को सुन ले वो ज्यादा बेटर होगा आईसी प्रोडेंशियल लोमबार्ड एसबीआई विच टू बेस्ट फॉर न्यू बाइंग सर टू बेस्ट के, के केस में आप जा सकते हो आईसीआईसी लोमबार्ड आईसीसी प्रोडेंशियल एस बी आई लाई एसबीआई लाइफ के नंबर तो आया नहीं है आईसीसी प्रोडेंशियल और आईसीआई आई लाइफ लोमबार्ड के आ चुके हैं दोनों का सर अंतर है प्रोडेंशियल इज इन टू लाइफ एंड लोमबार्ड इज इन टू जनरल तो अगर आप जनरल इंश्योरेंस में जाना चाहते हो तो ऑब्वियस ये एक लोमबार्ड और एक प्रोडेंशियल आपके सामने बचा है एसबीआई के नंबर आ जाने दीजिए और एच डी लाइफ के नंबर जो कल आने वाले वो भी आ जाने दीजिए तो आपके पास एक फेयर कंपैरिजन होगा कि तीनों के नंबर देख के आप किस में जाना चाहते हो लेकिन अभी के लिए आपके पास एक ही चॉइस है लोमबार्ड वो ठीक लग रहा है अगर नीचे की तरफ मिलता रहा तो आप आराम से ऐड कर सकते हैं बट विल टेक सम टाइम क्योंकि इंश्योरेंस का सेक्टर बहुत धीरे चल रहा है और जो ग्रोथ होनी चाहिए थी वो हो भी नहीं रही इस सेक्टर के नंबर्स में भी और स्टॉक्स में भी सो बेटर ये है कि आप अगर कोई चुनना चाह रहे हैं तो लोमबार्ड एक जनरल इंश्योरेंस के हिसाब से ठीक है लाइफ uh, इंश्योरेंस के लिहाज से भी आप थोड़ा और समय दे दीजिए एस और एच लाइफ का नंबर आ जाए फिर एक बार वो कॉल लेना ज़्यादा आसान होगा डिफरेंस बिटवीन रिलैक्सो एंड मेट्रो कौन सा बेटर है टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग फॉर लॉन्ग टर्म ऑलवेज रिलैक्सो इट्स नॉट अबाउट कि मेट्रो ख़राब है 67 का पी है सर कल मैं इसके नंबर देख रहा नंबर अच्छे हैं इसके मेट्रो के ऑन क्यू बेसिस पे नंबर अच्छे आए हैं लेकिन महंगा बहुत ज़्यादा है ये अभी इसने बाजार की वो uh, पिटाई देखी नहीं जो रिलैक्सो देख रहा है सो so, uh, किसी नए स्टॉक पर बेट करने की बजाय आप पुराने स्टैब्लिश प्लेयर पर बैट कर लीजिए दोनों में अंतर यह है कि रिलैक्सो लार्जेस्ट प्लेयर है फुटवेयर का नॉट इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैप बट इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन एज वेल पाँच लाख फुटवेयर पर डे की कैपेसिटी है या प्रोडक्शन करता है रिलैक्सो एक लाख तीस हज़ार फुटवेयर का प्रोडक्शन करता है बाटा और करीब करीब टू डिजिट नाइन्टी फाइव थाउजेंड के आसपास या शायद तीस हज़ार के आसपास का प्रोडक्शन है मेट्रो का और इसीलिए वो स्केल तक पहुंचाने के लिए इनको भी बहुत टाइम लगेगा और दूसरा रिलैक्सो इज कैश रिच ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी तो आप एक बार कोर्स में जा सकते हैं डिविडेंड पे ऑफ भी अच्छे हैं कंपनी के सो so, और अच्छा करेक्शन भी आ चुका है तो रिलैक्सो ज़्यादा बेटर पोजिशन प्लेस लग रहा है मेट्रो के लिए थोड़ा और समय दे दीजिए अभी बाजार पिटाई करेगा थोड़ा अपना एटीट्यूड दिखाएगा उसके हिसाब से इस स्टॉक को रिएक्ट करना ही पड़ेगा सो थ टाइम वो सब हो जाए फिर आप एक बार को चुने वो ज्यादा बेटर लेकिन अभी के लिए एटलीस्ट वो महंगा दिख रहा है एडेड एडेडिटी ऑफ एशियन पेंट कोटक महिंद्रा बैंक एंड डी मार्ट टू नो अबाउट आई जी एल एंड पतंजलि दोनों केस में सर आपको नंबर्स को वेट करना पड़ेगा इनफैक्ट कोटक के केस में भी नंबर्स को वेट करना चाहिए बट एशियन पेंट को चुनना कोटक को चुनना डी मार्ट को चुनना तीनों में कोई प्रॉब्लम नहीं आप आराम से चुन सकते हैं uh, थोड़ा थोड़ा नीचे और मिलेंगे मैक्सिमम आपको लेकिन पतंजलि केस में और आई जी केस में भी नंबर्स आए नहीं है तो उनकी कॉल लेना थोड़ा मुश्किल है पतंजलि अब ग्यारह सौ अस्सी सही दिख रहा है एक झटका अगर मार भी तो एक हज़ार अस्सी मैक्सिमम लेकिन पतंजलि को आठ सौ अस्सी का स्टॉप लॉस लेके आप जितना मर्जी ले सकते हो वैसा इशू नहीं है लेकिन पतंजलि केस में वो स्टेक सेल आना है कब आएगा किस भाव पर आएगा वो कैच है क्योंकि आप गौर से देखिएगा प्रमोटर की होल्डिंग पतंजलि में इक्यासी बयासी है तो प्रमोटर को छः सात का स्टेक ऑफलोड करना पड़ेगा सी के रूल्स के हिसाब से तो वो ऑफ करेगा तो प्रीमियम पे करेगा वरना कोई लेगा क्यों तो अगर वो प्रीमियम पे होता है सेल तो कब होता है सेल वो डिस्काउंट है और दूसरा फिर नई सप्लाई बाज़ार में आने का रिस्क रहेगा सो ये चीज़ें हैं जिसको पतंजलि जो एक ओवर जिसको कहते हैं जो झेल रहा है अभी लेकिन बाकी तीन तो ऐसा कोई रिस्क नहीं है, तो आप ठीक जगह पर जा रहे हैं इनके केस में आप वेट कर लिए थोड़ा सा वॉट शुड बी दप्रोच विद आरती इंडस्ट्रीज़ पहले कुंतल जी वो जो डिमर्जर के शेयर मिल जाएँ उसके बाद आप कोई कॉल लीजिए वो ज़्यादा बेटर रहेगा अभी के लिए एटलीस्ट इस पर कॉल लेना ठीक नहीं happiest है। है माइंडे केस में कल मतलब आज नंबर्स हैं और नंबर्स के बाद कल मैनेजमेंट से एक इंटरेक्शन है तो वो ज़रा हो जाए तो एक बार को सिचुएशन ज़्यादा बेटर रहेगी आपको जवाब देने के लिए हालांकि अमंग ऑल हैप्पियस्ट माइंडे केस में बस दो चीज़ अच्छी हैं एक तो आप बेट कर सकते हो प्रोमोटर के ऊपर सूटा साहब इज़ एन आईकन लेकिन नाइन्टी साल के हो चुके हैं तो अब आगे यहाँ से कितना और कंपनी को रुख रवैया रखते हैं कितना कंसल्ट करते हैं वो क्रूशल है पहला दूसरा स्टॉक ऑलरेडी इस चीज़ को बहुत मोटा डिस्काउंट या मोटा प्रीमियम पा रहा है तो वो प्रीमियम डिस्काउंट में बदले थोड़े दिन तक अपनी राइट साइज हो जाए उसके बाद कॉल लेना ज़्यादा बेटर होगा अगर आप आई में जाना भी चाह रहे हैं तो सबसे महंगे मल्टीपल पर हैप्पियस्ट माइंड खड़ा हुआ है डिस्पाइट टाटा एलेक्सी के मूव के तो इसीलिए थोड़ा महंगा ज़रूर है अगर नीचे मिल जाए तो बात अलग है लेकिन नंबर्स भी हैं नंबर्स हो जाएं मैनेजमेंट की कमेंट्री आ जाए उसके बाद कॉल लीजिए ज़्यादा बेटर रहेगा बजाज फिनसफ चौदह सौ जैसा ज़्यादा बेटर है लेकिन अगेन वो पहली बात हुई थी कि जब एडजस्टमेंट होता है तो उसके बाद शेयर नीचे कंसॉलीडेट करता है कंसॉलीडेट करने दीजिए कंसॉलीशन के बाद जो रेंज पर खड़ा रहे वो ज़्यादा बेटर है क्वालिटी है इसमें कोई डाउट नहीं है लेकिन इक्विटी सप्लाई आई है तो थोड़ा नीचे मिल जाए तो ज़्यादा बेटर है तो अभी तो एडजस्टमेंट हुए हैं एडजस्टमेंट के बाद का काम हो रहा है इन बजाज फाइनेंस बेट कर सकते हैं अभी अगर आप जाना चाह रहे हैं तो नंबर हैं तो और ही अच्छी बात है ओके ग्लैंड फार्मा सर तेईस तारीख को नंबर है दीपक जी मैं मैं भी उसी का ही वेट कर रहा हूँ ऑलरेडी बहुत पिटाई हो चुकी है चौदह सौ रुपया पंद्रह सौ रुपया के रेंज में मैंने लास्ट शायद देखा था लेकिन ऑलरेडी बहुत ज्यादा टूट चुका है शेयर तो इसमें अब खोने के लिए बहुत कुछ नहीं है तो थोड़ा थोड़ा आप ऐड कर सकते हैं बट नंबर्स हैं तेईस तारीख को तो उसके लिए भी स्कोप रखिएगा थोड़ा होता है ना कि आप एक बार में सारा मान मत लीजिए अगर आप लंबी अवधि के और अच्छे निवेशक हैं और आपका एपेटाइट है शेयरों को होल्ड करने का आपको रिस्क नहीं है तो आप आराम से ले लेके रखते रहिए कोई फॉल में एशियन पेंट आज उनके लिए अच्छा है जिनको घबराहट नहीं हो रही जिनको घबराहट है वो वेट करेंगे नीचे आने का और नीचे आने का वेट करने वाले को शायद शेयर जल्दी मिलते नहीं है वो वेट ही करते रह जाता है सो बेटर ये कि आप फॉल मिला है ले लीजिए जिसने टी का फॉल लिया वो आज नॉर्मल है उसको पता है टी क्वालिटी है कहीं नहीं जा रहा एशियन पेंट भी क्वालिटी है सर फोर्टी मार्केट शेयर पेंट इंडस्ट्री का इंडिया में होना अपने आप में बड़ी बात है एक करोड़ की आबादी के सामने आप खड़े हो और करीब करीब आप ये मान के चल रहे हो कि अगर चालीस मार्केट शेयर है आपका तो मोटा मोटा स्पेस में अगर सबके सब भी पेंट यूज़ कर लें तो रफली आप 50-60 करोड़ कस्टमरों को कैटर कर रहे हो और ना केवल पेंट के अंदर हो बल्कि आप बाकी स्पेस के अंदर भी हो सो so, इस तरह की क्वालिटी के साथ अगर आप जा रहे हो तो ठीक है आप लोअर रेंट पे ले सकते हो लेकिन ग्लैंड ही में क्या है अभी नई लिस्टिंग है तो थोड़ा ओवर हैंग है स्टिल तेईस तारीख को नंबर है उसको आप ध्यान रखें कोई कॉल ले सकते हैं अदानी पे कोई भी राय नहीं है सर मेरे पास माफी मालिक साहब किसी भी स्टॉक के ऊपर कोई भी राय नहीं सिवाय वेलमर के कि उसको आप चार का स्टॉप लॉस लेके एड कर सकते हो लोअर लेवल पर आप बोलते हो किसी भी म्यूचुअल फंड के टॉप वन या टू कंपनी ले लो फिर कंपनी नीचे चले जाते तो फिर क्या करें तो पुनीत जी और ले लो उस म्यूचुअल फंड ने स्टेक बेचा क्या अपना अगर नहीं बेचा तो आप भी मत बेचो सर मेजर ऑफ जितनी भी बड़े म्यूचुअल फंड है उन सभी बड़े म्यूचुअल फंड्स के पास बड़े क्वालिटी स्टॉक का एक बंच होता है जिसको वो हमेशा बैकअप के लिए रखते हैं आप कभी देखना एल की होल्डिंग्स भी चेक करोगे बहुत आसान है गूगल में सर्च कर लो एल होल्डिंग दिख जाएगी आपको ट्रेंड लाइन में आती है वो इसके अलावा आप किसी म्यूचुअल फंड की होल्डिंग चेक कर लो एच लाइफ की से एस की सबके अपने अपने फंड्स की होल्डिंग होती हैं तो होल्डिंग में आपको मेजरली सारे कॉमन नाम ही दिखाई पड़ेंगे वही टी वही एच बैंक वही एच यू वही अच्छी कंपनियाँ ए ग्रेड की तो ए ग्रेडी कंपनियाँ क्यों रखते हैं अपने पास इसलिए नहीं रखते हैं कि वो ए ग्रेड हैं इसलिए रखते हैं कि वो हमेशा उनको पता है कि ये बिज़नेस रहेंगे ये तो आपका पैसा सेव कर ही देंगे अगर कभी बुरा टर्म ऑयल आता है तो टी तो सी की मार्केट कैप में अगर या टी अगर 40 परसेंट टूट भी जाता है या 20 परसेंट टूट भी जाता है अपने हाई से तो भी सर धंधा बंद नहीं हुआ है दस हज़ार करोड़ रुपए का सालाना प्रॉफिट कमा के देने वाली कंपनी छोटी नहीं हो सकती रिलायंस इंडस्ट्रीज है देश की सबसे बड़ी कंपनी इसलिए नहीं कि उसकी मार्केट कैप ज्यादा है इसलिए है क्योंकि वो हर साल साठ हजार करोड़ का प्रॉफिट कमाती है साठ हजार करोड़ का प्रॉफिट का अंदाजा आप लगा सकते हैं कितना बड़ा फिगर होगा शायद इस देश की कई आबादी के हिस्से उस फिगर को भी ना पहचान पाए इतना बड़ा फिगर है वो और साठ हजार करोड़ का प्रॉफिट आज से नहीं आ रहा है सालों से आ ही रहा है दो लाख करोड़ की डेट है तो दो लाख करोड़ का कैश भी है इस तरह का असेट है जिसको क्रिएट करना इतना आसान नहीं है जो एक जनरेशन में क्रिएट नहीं होता और एक जनरेशन में खत्म भी नहीं हो सकता सो they are too big to fail. Likewise 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 HDFC Bank, likewise likewise TCS, likewise likewise Infosys and so on. कहा आपका लेना नहीं था लेकिन लेना है या नहीं वो इनकी प्रॉफिटी बताएगी और प्रोफिटेबिलिटी आपके सामने क्या बता रही आप खुद ही फॉलो कर लीजिए इतने सवालों को शामिल कर पाऊँगा माफ़ी बहुत सारे लोगों से जिनसे बातचीत नहीं हो पाई और बहुत बहुत शुक्रिया उन सभी लोगों का जिन्होंने सवाल पूछे आपसे मुलाकात होगी कल कल शायद जल्दी क्योंकि मुझे सूरत निकलना है कल लेकिन आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं ऐट द रेट सुमित रिसर्च मेरा ट्विटर हैंडल है और साथ ही साथ किसी भी निवेश से पहले अपने वित्त सलाहकार की राय जरूर ले लें नमस्कार